आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के हालातों से निपटने के लिए विपक्ष की बैठक, ममता, मायावती, आप और शिवसेना नहीं हुए शामिल। यूपी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली, मध्य प्रदेश में कमलनाथ अब तक नहीं कर पाए लागू। हनी ट्रैप वाली श्वेता बताएंगी मीडिया को सारा सच, कहा छूटने के बाद सच बताऊंगी। सीए के खिलाफ कलेक्टर की टिप्पणी, राकेश सिंह बोले ऐसे अफसर पर कार्रवाई हो। और सीए पर बोली सांसद रीति पाठक, सीए मध्य प्रदेश सरकार को लागू करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश में हो रहे छात्रों के विरोध, नागरिकता कानून, एनआरसी और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए विपक्षी पार्टियों की बैठक संसद के एनेक्सी में हुई। इसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बसपा प्रमुख मायावती शामिल नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने भी मीटिंग में शामिल न होने का ऐलान किया। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस राकपा के साथ सरकार में सहयोगी शिवसेना ने कहा कि उसे बैठक की जानकारी नहीं है। सपा और डीएमके भी बैठक में शामिल नहीं हो सके। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रयासों से हुए विपक्ष की बैठक में कुल 15 पार्टी शामिल हुई। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राकांपा प्रमुख शरद पवार, सीपीआई नेता सीताराम येचुरी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई अन्य नेता शामिल हुए। ममता बनर्जी ने पिछले हफ्ते ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक के दौरान वाम दलों और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़पों की वजह से घोषणा की थी कि वह विपक्षी बैठक में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने कहा था, मैंने ही विपक्ष को बैठक का विचार दिया, राज्य में जो हुआ इसकी वजह से मेरे लिए अब बैठक में शामिल होना संभव नहीं है। मायावती ने भी हाल ही में राजस्थान में कोटा के एक अस्पताल में बच्चों की मौत के आंकड़ों को लेकर सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा पर हमला किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस महासचिव बच्चों को खोने वाली माताओं से मिलने के लिए कोटा नहीं जाएंगी तो उत्तर प्रदेश में पीड़ित परिवारों के साथ उनकी मुलाकात को राजनीतिक हित और ड्रामा ही माना जाएगा। शिवसेना और आम आदमी पार्टी ने कहा कि उसे दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई विपक्ष की बैठक की जानकारी नहीं थी। सोनिया ने सीए को विभाजनकारी कानून बताया था। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने को लेकर लंबे अरसे से विचार चल रहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बारे में विचार ही कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दिया है। सोमवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में नोएडा और लखनऊ के लिए पुलिस कमिश्नर भी तय कर दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बारे में ऐलान किया और बताया कि अब लखनऊ और नोएडा पुलिस में एडीजी रेंज का अधिकारी पुलिस कमिश्नर होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे पुलिस के प्रति जनता में विश्वास और प्रगाढ़ होगा और सभी के मन में सुरक्षा का भाव पैदा होगा। इसके थोड़ी देर बाद ही दोनों शहरों के नए पुलिस कमिश्नर का ऐलान भी कर दिया गया। सुजीत पांडे को लखनऊ तो आलोक सिंह को नोएडा का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये वर्षों से इस बात को महसूस किया जा रहा था कि पुलिस आयुक्त की प्रणाली यहां पर भी लागू की जानी चाहिए। पुलिस एक्ट के अंतर्गत भी 10 लाख से ऊपर की आबादी के नगरीय क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और प्रदेश के अंदर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के लिए कदम उठाने की जो एक इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज किए जाने का परिणाम था कि इतने वर्षों तक यह कार्य नहीं हो पाया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस आयुक्त प्रणाली को अपनी स्वीकृति दी है।
मध्य प्रदेश में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आईएएस अफसरों के दबाव के चलते वे अब तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। योगी सरकार के इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश में केवल कुछ जगह पुलिस व्यवस्था बदलने से नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों के विरुद्ध दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने से ही प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था में सही सुधार आ सकता है, जिसकी तरफ सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर नई शराब नीति को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश का किसान और गरीब परेशान है और ये सरकार शराब की दुकान खोलने में लगी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार को नशा मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश के नौजवानों और जनता को शराब में डुबाना चाह रहे, यह सरकार शराब माफिया चला रहे हैं। नई शराब नीति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश का किसान परेशान है, किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है और सरकार शराब की दुकानें खोलने में लगी है। शिवराज ने कहा कि क्या सरकार प्रदेश के युवा और जनता को शराब के नशे में डुबो देना चाहती है? प्रदेश को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, प्रदेश की सरकार को शराब माफिया चला रहे हैं। शिवराज ने कहा कि सीएम कमलनाथ से जब इस विषय पर आग्रह किया गया कि प्रदेश को शराब से तबाह ना किया जाए तो वो कुतर्क देते हैं और कहते हैं इससे अवैध शराब बंद होगी और इसमें जनता तो तबाह होगी, मोटा लेन देन भी हो रहा है, ये बर्बादी मध्य प्रदेश की नहीं होने देंगे, चाहे कितना भी लड़ना पड़े। मैंने मुख्यमंत्री जी को दो चिट्ठियां लिखी और आग्रह किया है, वो कुतर्क देते हैं। मैंने आग्रह किया कि नहीं, आप इस फैसले को वापस लीजिए। अब वो कहते हैं कि ज़्यादा दुकान खुलेगी तो अवैध बंद हो जाएगी, तो मैं इनका घर पे भिजवाना शुरू कर दो तो फिर पूरी बंद हो जाएगी। ये कोई तर्क होता है क्या? क्या कर रहा है आबकारी अमला? गाय के लिए बैठा है ये क्यों नहीं रोकता अवैध शराब की बिक्री? शिवराज ने कहा कि सरकार ना तो कन्यादान राशि दे रही है, ना ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। किसान इस सरकार से परेशान हो चुका है। सरकार को नशा मुक्त प्रदेश बनाना चाहिए, लेकिन सरकार प्रदेश को शराब में डुबो कर मार देना चाहती है। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? शराब ठेकेदारों को उप दुकानें क्यों खोलने दी जा रही हैं? इसकी जरूरत क्या है? इसमें पैसे का लंबा लेन देन किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने मंडला कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मंडला कलेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सीए के विरोध में टिप्पणी की है। राजनीतिक कारणों से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार सीए की मुखालफत कर रही है, ऐसे में सरकारी अधिकारी भी अपनी मर्यादा को भूल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने मंडला के कलेक्टर जगदीश जटिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मंडला कलेक्टर ने सीए के विरोध में फेसबुक पर टिप्पणी की थी। राकेश सिंह ने कहा मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है। कोई कलेक्टर जैसे पद पर बैठकर और इस तरह की बात फेसबुक पर पोस्ट के माध्यम से डाले, उसका मतलब क्या है कि कमलनाथ जी अपने राजनीतिक विजन को पूरा करने के लिए क्या प्रशासनिक अधिकारियों का उपयोग कर रहे हैं? और इस तरह से करेंगे जो कानून बन चुका हो, जो राजपत्र में प्रकाशित हो चुका हो, कोई कलेक्टर उसके खिलाफ कैसे जाकर बोल सकता है? लेकिन दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश में सब संभव है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए भी मांग करती है कि तत्काल ऐसे कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए पूरे मध्य प्रदेश में कि ऐसी अराजकता को बढ़ावा नहीं मिलने वाला है। कलेक्टर के सीए के विरोध में फेसबुक पर टिप्पणी के बाद जब विवाद की स्थिति बनी तो कलेक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ही बंद कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि संसद के पास कानून के बारे में किसी कलेक्टर को सार्वजनिक टिप्पणी करने का अधिकार है? हनी ट्रैप मामले की मुख्य सरगना श्वेता विजय जैन मीडिया को सब कुछ बताना चाहती है। उसने कहा मुझे छूट जाने दीजिए, आपको सब बता दूंगी। सोमवार को आयकर विभाग के समन पर श्वेता को पूछताछ के लिए भोपाल आयकर दफ्तर लाया गया। उससे आईसीआईसीआई बैंक के लॉकर से मिले 43 लाख रुपए की नकदी के सोर्स और अन्य लेन देन के बारे में पूछताछ की गई। हनी ट्रैप की मास्टरमाइंड श्वेता विजय जैन और उसके गैंग को लेकर कई खुलासे हो चुके हैं। उसके इस धंधे में नेता, अफसर, व्यवसायी और पत्रकार सब लिप्त पाए गए हैं। ऐसा लगता है अपने बारे में प्रकाशित और प्रसारित हो रहे समाचारों से श्वेता परेशान है और मीडिया को बहुत कुछ बताना चाहती है। मीडिया से बातचीत करते हुए श्वेता ने कहा कि इस पूरे मामले पर वह जेल से बाहर आने के बाद अपनी बेगुनाही साबित करेगी। श्वेता ने हनी ट्रैप मामले में अब तक हुई मीडिया कवरेज पर नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि मुझे ज्यादा बात नहीं करनी है, लेकिन उसने यह जरूर कहा मुझे छूट जाने दीजिए, आपको सब बता दूंगी।
मैं बता दूंगी, मेरे को छूट जाने दीजिए, मैं सब गवा देती हूँ। आप लोगों ने इतना अच्छा छाप दिया पेपर में, मेरे लिए कुछ बचेगा। श्वेता को इंदौर जेल से जेल वाहन में ही लाया गया। श्वेता विजय जैन भोपाल के मिनाल रेसिडेंसी में रहती थी। उसने सोनागरी स्थित ICICI बैंक के लॉकर में नकदी और दस्तावेज रखे थे। हनी ट्रैप मामले की जांच के लिए गठित SIT ने इस लॉकर से 43 लाख रुपए की राशि और लेन देन के दस्तावेज जब्त किए थे। आयकर विभाग द्वारा जानकारी मांगे जाने पर SIT ने इस पूरी जांच के दौरान मिली नगद की डिटेल आयकर विभाग को सौंप दी थी। इसी आधार पर पिछले हफ्ते श्वेता विजय जैन को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था। आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर वेदांत कंवर ने श्वेता से पूछताछ की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वे अपने 18 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी कुर्सी की दौड़ में नहीं रहे। वे ना तो राज्यसभा में जाने की दौड़ में है और न ही मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सेवा दल के राष्ट्रीय विशारद प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भोपाल आए। उनका स्वागत करने के लिए राज्य सरकार के 3 मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे। सिंधिया ने कहा कि वे अपने 18 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी कुर्सी की दौड़ में नहीं रहे। वे ना तो राज्यसभा में जाने की दौड़ में है और ना ही मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं सेवा भाव के आधार पर चला हूं। संदीप सर, ये मेरा आचरण ने आपको पिछले 18 साल में दिखाया, चाहे पिछले दिसंबर का आचरण हो या आज का भी आचरण। जबलपुर में भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कांग्रेस पर दंगे कराने के आरोप पर सिंधिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अभिव्यक्ति को दबाती है। सिंधिया ने कहा कि कानून लाने के पहले उन्हें उसके लिए बहुमत लेना था। वीर सावरकर को लेकर जब सिंधिया से सवाल किया गया तो वे उसे टाल गए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश की आजादी में पसीने की एक बूंद तक नहीं बहाई, वे कांग्रेस को प्रमाण पत्र देंगे। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। सिंगरौली में सांसद रीति पाठक ने कहा कि नागरिकता कानून केंद्र का विषय है, CAA मध्य प्रदेश सरकार को लागू करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो कहा है वह गलत है, क्योंकि यह देश हित में है। प्रदेश सरकार लोगों को बरगला रही है, इन लोगों से जनता को सतर्क रहना चाहिए। CAA और CAB के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने सिंगरौली में तिरंगा यात्रा निकाली। सब्जी मंडी कलेक्ट्रेट के पास से 3 किलोमीटर लंबी रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा में सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक, जिले के 3 विधायक राम लल्लू वैश्य, सुभाष वर्मा, अमर सिंह शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के रूप में हजारों लोग रैली में शामिल हुए। जब शहर में तिरंगा यात्रा निकल रही थी तो लोगों का कहना था कि ऐसी यात्रा हमने पहली बार देखी है। सांसद रीति पाठक ने कहा कि यह केंद्र का विषय है, CAA मध्य प्रदेश सरकार को लागू करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने जो कहा है वह गलत है। उन्हें कहा प्रदेश सरकार लोगों को बरगला रही है, इन लोगों से जनता को सतर्क रहना चाहिए। देश हित में लिया गया निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार को मानने के लिए तैयार नहीं है, इस अधिनियम को मानने के लिए तैयार नहीं है। कमलनाथ सरकार ने इस बात को सरेआम कहा है कि हम नागरिकता संशोधन अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, तो ये उनके अधिकार में नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूंगी, और नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता देने का अधिनियम है, ना कि नागरिकता छीनने के लिए। इसलिए ये जो विशाल जन समूह उमड़ा है, ये आपके सवाल का उत्तर है। संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार और एक एक जन समूह, एक एक जनता जो यहाँ पर इस रैली में शामिल हुए हैं, ये इस सवाल का जवाब है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन के लिए हम सब एकजुट हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सख्त रही। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि CAA देश के लिए अनिवार्य है, यह प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। सिंगरौली जिले में इस नागरिकता संशोधन अधिनियम को पूर्ण रूपेण समर्थन का। आप यहाँ की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता के लिए मात्र आज इस परिपेक्ष में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस नागरिकता संशोधन अधिनियम को भली भांति लोग
जान रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर कुछ जगह विरोध के स्वर हैं, तो दूसरी तरफ अब बड़ी संख्या में लोग इसके समर्थन में सामने आ रहे हैं। रीवा में भी सीएए के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और रैली निकाली। सीए के समर्थन में जागरूक रीवा नगर परिषद के बैनर तले एक समर्थन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली की खास बात रही कि इस रैली में जहां कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों और भाजपा के सदस्यों ने संयुक्त रूप से भागीदारी निभाई, वहीं हजारों लोग खुद होकर रैली में शामिल हुए। रैली में बैनर को न देखते हुए लोग सिर्फ नागरिकता बिल के समर्थन में हिस्सा लेने के लिए प्रमुख रूप से शामिल हुए। सरस्वती शिशु मंदिर जेल मार्ग से यह रैली निकली। रैली अस्पताल चौक, सिरमौर चौक से होते हुए कॉलेज चौराहे पर इस विराट रैली का समापन हुआ। ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से में जो लोग प्रताड़ित हो रहे थे और हमारे देश में अपना देश मान के आए हुए थे, उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही थी। मोदी जी की सरकार ने उनको नागरिकता देने के लिए जो कानून बनाया है, उसको लेके जो भ्रम फैलाने का काम देश विरोधी ताकतों ने किया है, उसके विरोध में और नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज रीवा की जनता सड़कों पर उतरी है और अपना समर्थन मोदी जी को और अमित शाह जी को देने का काम किया है। संशोधन अधिनियम के तहत देश के अंदर जो कानून आया है, ये भारत ही नहीं, भारत के अन्य देशों में रहने वाला जो प्रताड़ित हिंदू समाज है, सिख है, जैन है, उन सबको देश के अंदर नागरिकता देने के लिए कानून है। यह जो अन्य पार्टियां हैं, ये दूसरे समाज को भ्रमित कर रही हैं, इसलिए आज ये जो शोभा यात्रा निकली है, यह सब के लिए संदेश देने के लिए है, यह सबको नागरिकता देने के लिए है, ना कि किसी को भारत से निकालने के लिए है। इस रैली के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि नए कानून से किसी भी भारतीय को कोई नुकसान नहीं होगा, किसी को भी इससे डरने की जरूरत नहीं है और ना किसी के बहकावे में आने की जरूरत है। यह कानून नागरिकता देने के लिए है, ना कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। छतरपुर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद वीरेंद्र खटीक ने कहा कि सीएए संविधान के तहत बनाया गया है, सभी राज्यों को इस कानून को लागू करना पड़ेगा। इस कानून को लागू न करना संविधान को चुनौती देने के बराबर है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर छतरपुर के नौगांव में बीजेपी ने प्रबुद्ध जन संगोष्ठी सभा का आयोजन किया। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र खटीक ने कहा कि नागरिक संशोधन कानून को जो राज्य लागू नहीं करेंगे, वे देश के संविधान को चुनौती देंगे और संविधान का अपमान करेंगे। खटीक ने कहा कि संविधान में एक संघीय ढांचा है जिसपे केंद्र सरकार जो कानून बनाती है, वह कानून राज्यों को लागू करना ही पड़ेगा, क्योंकि देश की जनमत में संविधान के प्रति विश्वास है और जो राज्य इस कानून को लागू करने से मना कर रही है, वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। संविधान में जो है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की एक संघीय ढांचे में व्यवस्था बनी हुई है और कानून बनाने का काम, संविधान बनाने का काम, संविधान में संशोधन करने का काम जो है ना, वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों के द्वारा विरोधी दल जहाँ पर सरकारें हैं, उन विरोधी दलों की सरकारों के द्वारा इस तरह की बात करना कि मैं अपने राज्य में कानून को लागू नहीं करेंगे, ये संविधान को चुनौती देना है, संविधान का अपमान है। और इस देश के अपमान को यहाँ का जनता जो है ना, संविधान के प्रति बहुत विश्वास और श्रद्धा का भाव रखती है, इस विश्वास के भाव को इस देश का जनमत कभी स्वीकार नहीं करेगा। भोपाल के शाहजहानी पार्क में धरना दे रहे अतिथि विद्वानों के पंडाल में रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने आग लगा दी। इसमें पंडाल का एक हिस्सा बुरी तरह जल गया, लेकिन अतिथि विद्वानों की सतर्कता से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। रात के अंधेरे में किसी बदमाश ने पंडाल में सो रहे तकरीबन 100 अतिथि विद्वानों को जलाने के लिए पंडाल में आग लगा दी, लेकिन अचानक अतिथि विद्वानों के जाग जाने से एक बहुत ही बड़ा हादसा टल गया। इस मामले में अतिथि विद्वानों की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, इस मामले पर अब सरकार विपक्ष के निशाने पर है। तो अतिथि विद्वानों और अतिथि शिक्षकों की आवाज़ को दबाने का काम किया, उनके 1.5 महीने के प्रदर्शन के बाद भी, धरने के बाद भी कांग्रेस की सरकार को जू नहीं रहेंगी, और वो कोई नई बात नहीं कर रहे। कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया था, जो वचन पत्र में कहा था कि नियमित किया जाएगा अतिथि विद्वानों और अतिथि शिक्षकों को, वो अपनी उसी बात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर कांग्रेस की सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। अभी तक सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती थी और कल उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई कांग्रेस के द्वारा, ये सर्वथा अलोकतांत्रिक है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती कि यदि एक वर्ग जिसके हाथों में समाज की
के निर्माण की जिम्मेदारी है, वो शिक्षक जो शिक्षा को धर्म के रूप में प्रचार और प्रसार में लगे हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और कल की घटना जिसमें पेट्रोल डालकर अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों को जलाने की कोशिश की गई, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान 35 दिनों से अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर भोपाल में धरना दे रहे हैं। रविवार देर रात धरना स्थल पर लगे उनके पंडाल में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। बताया जा रहा है कि आग केरोसिन डालकर लगाई गई, इससे आग तेजी से भड़की और देखते देखते पंडाल का एक हिस्सा पूरी तरह से जल गया। जब आग लगी तो पंडाल के भीतर 100 से ज्यादा अतिथि विद्वान सो रहे थे। केरोसिन की गंध और आग के धुएं से अतिथि विद्वानों की नींद खुल गई। इसके बाद पंडाल के अंदर अफरा तफरी मच गई। दूसरे पंडाल के लोग भी शोर शराबा सुनकर आ गए। विद्वानों ने समय रहते इसे देख लिया और सब ने मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। अगर आग बेकाबू होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आज रात में 2 बजे 2:30 बजे के लगभग अतिथिदान जब सो रहे थे तो यहाँ पे किसी ने चारों तरफ पेट्रोल डाली, चारों तरफ पर्दों पे पेट्रोल डाली, जिससे कि अतिथिदानों को नामो निशानी मिट जाए। अतिथिदान किसी लायक ही नहीं रहे। अभी तक तो चलो बाहरी किया था, अब तो अतिथिदानों को मारने की प्लानिंग हो रही है। क्या हो रहा है ये पता नहीं। असामाजिक तत्व आए हैं जो उन्होंने पेट्रोल डाल के चारों तरफ यहाँ पे मतलब पूरे टेंट में आग लगा दी, जिससे कि आधा टेंट जल चुका है। आप इसकी स्थिति देख रहे हो किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। और हम सभी लोग अतिथिदान सो रहे थे और रात में यहाँ पे आके आग लगा दी गई है। अभी अभी आधी रात को विद्वान का साजिश किया गया, और जबकि महिलाएं 1500 हमारी महिलाएं सो रही थी, विद्वान मध्यवयस्क बेटे बेटियां सो रही थी, उनको जिंदा जलाने की हरकत की गई है। अतः ये बहुत बड़ा साजिश हो रही थी विद्वानों के साथ। किसी को देखा आप लोगों ने भागते हुए? पूरे पंडाल में पेट्रोल छिड़का गया है, एक जगह आग लगा गई, लेकिन हमारे कुछ साथी जग रहे थे इसलिए आग को तुरंत बुझाया गया, लेकिन जो भी आग लगाते हुए भाग गए हैं ये बहुत बड़ी एक आंदोलन को तोड़ने के लिए एक बहुत ही घिनौनी साजिश है। लोग अतिथि विद्वान 35 दिन से लगातार अपने नियमितीकरण के लिए आंदोलन कर रहे हैं भोपाल शाहजहानी पार्क में। अभी रात में 2 बजे पता नहीं 3-4 लोग आए, मुंह बांधे हुए थे, पूरे पंडाल में चारों ओर पेट्रोल डाल दी, और जब आग भगवने लगी तो हम लोग उठ के भाग गए। इसमें हमारे 500 महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हजारों पुरुष, लगभग 1500 लोग हम लोग शाहजहानी पार्क में डटे हुए हैं। ये पता नहीं किसकी साजिश है, हम लोगों को जिंदा मारने की कोशिश गई है। हम लोग बहुत परेशान है, शासन प्रशासन तत्काल इसमें कार्रवाई करे। टीकमगढ़ में पुलिस ने बाइक रैली निकाली और लोगों को यातायात नियम पालन करने के लिए जागरूक किया। पुलिस ने लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेलमेट का प्रयोग करें। टीकमगढ़ एसपी अनुराग सजानिया और कलेक्टर हर्षिका सिंह ने हरी झंडी दिखाकर पुलिस बाइक रैली को आरंभ किया, जिसमें पुलिस के तमाम आला अफसरों के साथ पुलिसकर्मी हेलमेट पहनकर टीकमगढ़ की सड़कों से गुजरे। टीकमगढ़ एसपी ने बताया कि जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में मौतें होती हैं उसमें सिर पर हेलमेट न होने एक बहुत बड़ा कारण है। यदि बाइकर गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें तो दुर्घटना में होने वाली मौतों के जो आंकड़े हैं काफी कम हो जाएंगे। हेलमेट लगाने से बाइक ड्राइवर करते समय एकाग्रता बनी रहती है और इसीलिए बाइक रैली का आयोजन किया गया है। 11 जनवरी 2020 से 31वां सड़क सुरक्षा सप्ताह आरम्भ हुआ है, उसमें हम कई सारे कार्यक्रम करा रहे हैं, जैसे जन जागरूकता अभियान के रूप में एक प्रोजेक्शन हो और टीकमगढ़ की जनता के बीच में ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए जागरूकता जागे। उसी तात्म में एक ये कड़ी है जिसमें कि एक बाइक रैली निकाली जा रही है जो शहर के मुख्य मार्गों से निकलेगी, और सब लोग अपना एक संदेश देंगे जो टीकमगढ़ की जनता है, आमजन है, कि सभी को ट्रैफिक नियम फॉलो करने चाहिए, जिससे कि खुद की भी और जो राहगीर अन्य सड़क पर चल रहे हैं उनकी भी सेफ्टी रखी जा सके। अब खबर सिंगरौली से है, जहां अपना पाप छिपाने के लिए एक कलयुगी बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी। सास का कसूर इतना था कि उसने बहू को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालात में देख लिया था। सिंगरौली के चतरंगी थाना से एक कलयुगी बहू की दास्तान सामने आई है। ढाणी गांव निवासी एक बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी वृद्ध सास की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और फिर लाश को नजदीक के कुएं में फेंककर चितरंगी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गई। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सुशील पाठक उसके घर में आकर उससे जोर जबरदस्ती करने लगा। इस दौरान वह सब उसकी सास ने देख लिया तो गुस्से में आकर सुशील ने उसकी सास की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और कुएं में लाश फेंक दी। पुलिस को कहानी में कई पैंच नजर आए और उसने बहुत ही गंभीरता से इस मामले की पड़ताल की तो इस मामले में बहू खुद आरोपी नजर आई। बूढ़ी औरत की जो है वो बॉडी हमने रिकवर की है कुएं से। प्रथम दृष्टया इसमें यह पता चला कि इसकी जो है हत्या कर दी गई है। बाद में हमने छानबीन की, इसमें पता चला कि उसकी जो बहू थी उसका एक अवैध संबंध वहीं के स्थानीय युवक के साथ था।
वृद्ध महिला की जो हत्या है वो धारदार हथियार से की गई है, एक हमने कुल्हाड़ी भी जब्त की है। FSL की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम स्पष्ट बता पाएंगे कि वही कुल्हाड़ी से हत्या हुई है कि नहीं। बाकी अभी तक जो पूछताछ में पता चला है कि वही कुल्हाड़ी से प्रयोग किया गया है। अभी दो आरोपी इसमें नजर प्रथम दृष्टया हमें पता चले हैं, एक तो वो महिला है जो उसकी पतोहू है, बहू है, और दूसरा वो जो युवक है जो उसके साथ इसका संबंध था। बहू की सूचना पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर पंचनामा करवाया और हर बिंदु पर जांच की। पूछताछ के दौरान पुलिस को मृतक की बहू पर शक हुआ। पुलिस जब उसके साथ कड़ाई से पेश आई तो बहू ने सारा सच बयां कर दिया। उसने बताया कि वह अपने प्रेमी के साथ थी, तभी उसकी सास ने देख लिया। सबूत मिटाने के लिए दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से काटकर सास की हत्या कर दी और कुल्हाड़ी को फेंक दिया था। पॉलीथीन से पर्यावरण को बचाने के लिए डॉक्टरों ने एक संगठन बनाया है। इस संगठन के माध्यम से वो जन जागरण अभियान चलाएंगे और पॉलीथीन के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताएंगे। संगठन के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने इस संगठन की तारीफ की। छतरपुर में पॉलीथीन से पर्यावरण को बचाने के लिए डॉक्टर्स ने एक नई पहल की है। शहर में हो रहे पॉलीथीन के उपयोग को रोकने के लिए डॉक्टरों द्वारा जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और उससे होने वाले नुकसान को लोगों को बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ यह संगठन पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम करेगा। इस संगठन ने बिना सरकारी मदद से यह अभियान को चलाने की बात कही है। संगठन के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के वाणिज्यकर मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर ने इस संगठन की तारीफ की। वहीं कलेक्टर ने भी अपने कार्यालय में पॉलीथीन को पूरी तरह से बैन करने की बात कही। करीब 2-3 महीने पहले मेरे दिमाग में ये विचार आया कि पर्यावरण संबंधी कुछ काम हमारे समाज को हाथ में लेना चाहिए। हमारे छोटे से नगर छतरपुर के लिए कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई, दिनेश से मेरी भेंट हुई और हम लोगों ने ये तय किया कि एक शुरुआत करेंगे अपने छोटे से नगर में, जो सिंगल कम से कम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए, और उसी तारतम्य में आज ये कार्यक्रम किया गया है। दुनिया में जहाँ ऐसी ताकतें जो निरंतर चाहे नदी हो चाहे पहाड़ हो चाहे जंगल हो इनका दोहन करने में लगी हैं और जिससे पर्यावरण बिगड़ रहा है, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो अपना सारा काम छोड़कर अपना पैसा खर्च करके समाज सेवा के क्षेत्र में पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही शुरुआत आज छतरपुर में डॉक्टर चौबे जी और उनके टीम के द्वारा की गई है। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि न केवल छतरपुर में, मध्य प्रदेश में और देश में जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सारे लोग इस बारे में चिंता भी करेंगे और इस दिशा में आगे काम भी करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन भी मैंने लगा दिया है, बट इन्फोर्सिबिलिटी की बात है, हम लोग इन्फोर्स कर रहे हैं। मैं कब से क्योंकि आपने मुद्दा छेड़ा, मैं स्वच्छ भारत का मिशन डायरेक्टर था, हमने एक रोको टोको कैंपेन शुरू किया था कि आपस में रोको टोको एक दूसरे को, उसी से वो मोमेंटम आता है। तो वो जो स्वच्छ भारत के लिए रोको टोको था कि ओपन डिफिकेशन फ्री होना चाहिए, वही चीज़ हम सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए भी कर सकते हैं कि हम ही वो पीयर प्रेशर डेवलप करें। इट इज़ बेसिकली अ पीयर प्रेशर मॉडल। तो अगर हम लोग आपस में रोकेंगे, कोई फेंक रहा है या वो यूज़ करा कि तुम क्यों यूज, थैला नहीं लेके आ सकते क्या? एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, सब्जी लेने जा रहे हो तो अगर हम लोग खुद करेंगे तो वो मल्टीप्लाई और प्लॉरीफरेट बहुत तेजी से होगा और इम्पैक्टफुल रहे। बैंकर्स क्लब ने कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों का मनोरंजन किया और फिर विजेताओं को पुरस्कार बांटे। इस मौके पर क्लब ने वरिष्ठ साथियों का सम्मान भी किया। संत हिरदाराम नगर में बैंकर्स क्लब ने नववर्ष प्रोग्राम का आयोजन किया। इस मौके पर खेलकूद गतिविधियों में तंबोला, रस्सीकूद, मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं हुई। पुरुष वर्ग के लिए साड़ी पहनना, गोल रोटी बनाना, झूठ बोलना कॉम्पिटिशन को खास पसंद किया गया। इन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा सांस्कृतिक संध्या थी, जिसमें सदस्य साथियों व उनके परिवारजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां वरिष्ठ सदस्यों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। बैंकर्स क्लब के सलाहकार मंडल के सदस्य तथा प्रमुख समाजसेवी श्याम सुंदर गोपलानी का शॉल श्रीफल से विशेष सम्मान किया गया। एक साल के बाद ये बैंकर्स क्लब का प्रोग्राम हो रहा है और हर साल ऐसे ही हम लोग इकट्ठे होते हैं इस प्रोग्राम में। ये एक काइंड ऑफ पिकनिक है और यहाँ पे सब बैंकर्स के फैमिली मेम्बर्स आते हैं और हम सब लोग बहुत गेम्स खेलते हैं, काफ़ी सारा एंजॉयमेंट रहता है, लंच रहता है, ब्रेकफास्ट से लेके लंच रहता है, तो एक गेट टुगेदर हो जाता है, बहुत अच्छा। मैंने डांसिंग में पार्टिसिपेट किया था, मैंने सोलो डांस किया था, लंदन टू मक्का फ्यूजन सॉन्ग थे उसमें। बहुत
अच्छा लग रहा है, जैसे फैमिली फंक्शन है, हर साल की तरह पिकनिक भी होता है, फैमिली फंक्शन होता है, आउटडोर एक्टिविटीज होती हैं, इंडोर कल्चर फंक्शन होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे, पेरेंट्स सब बहुत इंजॉय करते हैं। बैंकर्स क्लब का वार्षिक पारिवारिक सम्मेलन है, मतलब ये एक मेले जैसा ही होता है हमारा, जिसमें परिवार के सभी सदस्य बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। इसमें कल्चरल एक्टिविटीज होती है, पहले हमने 10 बजे आज सुबह शुरुआत की, तो हमने ग्राउंड पे शुरुआत जो प्रोग्राम की ग्राउंड पे की, वहाँ पे हमने आउटडोर गेम्स से वो खेले, हमने तंबोला और रस्सी कूद और मट्टी फूल एंड चेयर रेस लाइक दैट, वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर हम 12:30 बजे अंदर आए, तो अंदर 12:30 से अभी तक जो है अभी 3 बज गए हैं, इतना इंथू है प्रोग्राम के अंदर, कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है सब, इतना डांसेस परफॉर्मेंसेस एंड सिंगिंग, इतना इंथू है, इतना उत्साह है लोगों में कि अभी साउंड सिस्टम वाला बोल रहा है कि समाप्त करो, लेकिन समाप्त करने का नाम नहीं है, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।